गाइस वो पलटे हैं और मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। धूप खा रहे हैं सब। चाय बन रहा है सो गाइस, आप देख सकते हैं चाय पक रही है। फूफा के लिए मम्मी मैं चाय लेंगी और चाय पियेंगे और मैं करूँगी अपना काम। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह आंटी आने वाली है। अभी आंटी आएंगी, जाऊँगी उनको बस स्टैंड पे लेने। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी जगह आंटी की, जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे वर्कशॉप में यमुनानगर। आप सब ब्यूटी में बने रहेगा फ्रेंड्स। मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर में बस स्टैंड तक और आंटी आएंगी। कितना अच्छा लगता है देखो, सब भी कितना प्यार करते हैं कि आ रहे हैं मेरे से मिलने। यहाँ से 14 किलोमीटर है यमुनानगर और 14 किलोमीटर से आ रहे हैं सब। सुबह सुबह घर में काम भी बहुत होता है, एक तो मौसम ठंडा हो रहा ना, ठंड है, ठंड की वजह से थोड़ा काम करने का भी कम मन करता है। और काम तो सारे पड़े हैं, बच्चे के स्कूल, झाड़ू पोछा, घर का काम, बस थोड़ा सा काम है, सारा दिन लग जाता है ऐसे। फूफा की चाय तैयार हो रही है। हेलो भाई, पूरी शाम दे तो फ्रेंड्स हम अब छोटी लाइन में पहुंच चुके हैं और बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं आंटी के पास। थोड़ी देर में भी हम आंटी से आंटी के पास होने वाले हैं और आप सब वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। और ये हमारी छोटी लाइन का वीडियो है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। और ये बस स्टैंड के करीब है, बिल्कुल करीब है, जस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं फ्रेंड्स। और आप सबको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आलू के पकौड़े और मिर्ची डाली। हेलो फ्रेंड्स, आंटी आई और चली गई। आई थी जहाँ मैं पहले रहती थी यमुनानगर, यमुनानगर से आई थी और मैं उनको लेके आई थी अपना, चले गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा प्यार मिला सबको, बहुत मतलब प्यार करते तभी तो आई थी। कह रही थी मुझे मैं नहीं गई फिलहाल, वो सब आए थे। अब इस टाइम राशन मिल रहा है, मैं इनसे कह रही हूँ राशन ले आओ, राशन भी नहीं ले आ गए, पड़े हैं यहाँ पे देखो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सारा दिन सोते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। इनकी नींद पूरी नहीं होती। राशन कार्ड सुबह से यहाँ पे पड़ा है, वहाँ पे लाइन लगी है सामने, वहाँ पे राशन मिल रहा है। सचिन भैया को देखो, बतिया रहे हैं अपने फ्रेंड से चुपके चुपके। कह रहे अरे कोई बात नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, भाभी बैठी है, बाद में बात करेंगे। फिर भी बतिया रहे, देख रहे हैं उधर ही राशन मिल रहा है। और ये यहाँ दांत फाड़ के हंस रहे हैं। हम भी बतिया ले, हम किससे बतिया ले, जाओ राशन लेके आओ बस, जाओ जाओ। मैं सब्जी बना लू, पापा भी आने वाले, खाना भी बनाना है मुझे। सुबह से कह रहे नहीं जा रहे हैं, मैं खुद ही जा रहे हैं। ड्रामा करते हैं, ऊपर से चिल्ला रहे हैं उठ गए तो देखो यार, अब चल पड़े पीछे पीछे। कहीं भी जाना मैं ही जाऊं, मैं ही मरूं। इधर लाओ, नीचे आओ, नीचे आके देती हूँ मैं, अब मैं ऊपर नहीं आऊंगी। ये नहीं जाके देखे पहले, देखेंगे तभी तो मिलेगा। सब लाइन लगा के ले रहे हैं राशन, जा रहे हैं अभी भी तो थैला ले लेके। उनके बीच में कुछ क्या देगा, टीवी देगा रहा तो चल रही है इधर, इधर टीवी चल रहा है। बुआ कहीं गई हुई है, फूफा राशन ले आए हैं गेहूँ, हमारे बैठे हैं चुपचाप, हम लेकर आएंगे इसे गेहूँ रख के। आज राशन बट रहा था ना कोटे पे, मीडिया वाले आ गए थे सारे, और पूरा सरकारी ताला लग गया उसको। क्या हुआ फिर वहाँ? ताला लग गया सरकारी ताला, मीडिया लगा के वो गए। राशन नहीं देता था सब, हम लोग भी गए, सबसे अंगूठा फिंगर लगवा के राशन देता नहीं था, इसलिए उसको जो है अपना ताला लग गया, मीडिया वाले आ गए थे।
अब सही है? हाँ सही है। दो चक्कर लगा मैं देखी थी ना कोटेदार, बहुत जने पर नहीं, सबको नहीं देता था, पर जब से उसको डिपो मिला था हमें तो दे देता था सही टाइम पे, हमारा हाँ, मिल जाता था। हमारे को तो फिर चाहे पैसा रहे नहीं रहता ऐसे ही दे देता था, ये तो बिना अंगूठा लगवाए राशन हाँ, उठा लाए थे अपना बन हाँ, जाता ना, हमें हाँ, तो मिल जाता था, हम तो बोल हमारे तो कहते गुरु भाई हैं इसलिए हमें पहले ही दे देता था, राशन में कभी दिक्कत नहीं आई हाँ, जब से उसका मैं तो जाके मीडिया वाले के सामने 50 किलो वाला बोरा होता ना गेहूं का, हम तो वही उठा हम तो जाके भाई बोलते मीडिया के सामने की नहीं ऐसे बंदा नहीं, जितना हमारा उनके साथ जितना अच्छा जितना और पापा खाना खा रहे फोन में बतिया रहे, वो बच्चों के साथ बैठे ही है और हमारे हस्बैंड इधर देखो भगत जी हमारे फोन चला रहे लेट के दिन भर सोने सोचा था मिलते इस टाइम में, चलो पड़े ही है अंधेरा हो रखा है इधर। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।